हे एवरीवन, तो आज हम शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही कम टाइम में आप बनाकर रेडी कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है ये नाश्ता, तो कभी भी आपको मन करे खाने का तो आप झटपट में इसे बना सकते हैं। सिर्फ ये 10 मिनट बन के रेडी हो जाता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पैन ले ली हूँ और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे सरसों तेल में ली हूँ और इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये अच्छे से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम आधी छोटी चम्मच डाल रहे हैं जीरा और उसके बाद 2 हरी मिर्च मैं बारीक से काट करके ऐड की हूँ। तो इसको हम दोनों को अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये भुना गया है। और प्याज मैं रखी हूँ काट करके बारीक से, तो इसको भी हम भून लेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे लो फ्लेम पे। आपको हाई फ्लेम नहीं करनी है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे इसे प्याज को। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो गया है, बहुत ही अच्छे से भुना गया है। तो इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक, तो उसके बाद आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे हल्दी और उसके साथ हम डाल देंगे यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यहाँ पे मैं ऐड की हूँ, ज़्यादा आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम चला लेंगे। और आपको यहाँ पे भुनना है 1 मिनट के लिए भुनना है आपको और लो फ्लेम पे भूनना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये भुना गया है। और उसके साथ हम डाल देंगे यहाँ पे गाजर, तो गाजर को मैंने 1 गाजर को ग्रेट करके यहाँ पे मैं डाली हूँ और थोड़ा सा शिमला मिर्च मैं ऐड की हूँ बारीक से काट करके। तो आपके पास जो भी सब्जियाँ हो आप बारीक काट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से भुना गया है और बहुत ही प्यारा सा खुशबू आने लग गया इसमें से। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आलू, तो 2 आलू मैं उबाल करके अच्छे से और ग्रेट करके यहाँ पे मैं कद्दूकस करके यहाँ पे डाली हूँ। तो आपको यहाँ पे मैसर से मैश कर सकते हैं, नहीं तो ये ग्रेट करके डाल सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे ग्रेट करके डाली हूँ, इसमें ग्रेट करने से गुठलिया नहीं पड़ता है। तो बहुत ही अच्छे से ये भुना जाता है आलू, जब ग्रेट करके डालेंगे ना तो गुठलिया बिल्कुल नहीं रहता है इसमें। तो इसको हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पर भून लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला। तो 1 चम्मच मैं चाट मसाला ऊपर से डाली हूँ। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये भुना गया है। बस 1 से 2 मिनट तक हम और भून लेंगे लो फ्लेम पे और बहुत ही अच्छे से ये फिलिंग बन के रेडी हो गया है। तो उसके बाद हम इसे एक कटोरी में निकाल देंगे, ये भुना गया है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर निकाली हूँ और ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसको हम साइड पर रख देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेड ले लेंगे। तो आपको यहाँ पे मैं ली हूँ व्हाइट वाला ब्रेड, तो आप चाहें तो ब्राउन वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बाउल में पानी ली हूँ और उसके बाद ये एक ब्रेड मैं इस तरीके से डीप करना है आपको। तो आपको इसमें डाल करके छोड़नी नहीं है, जैसे आप डालेंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी ये घुल जाती है। तो इस तरीके से डीप करके आपको एक्स्ट्रा पानी है जो इसे निचोड़ लेंगे अच्छे से, ताकि ये जैसे दबाते हुए आपको पानी इसमें से निकालना है। और इसमें फिलिंग हम डाल देंगे, इस तरीके से आपको डाल देनी है और चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे से ये, और आपको इस तरीके से दबाते हुए आपको राउंड शेप कर देना है ताकि जो भी पानी हो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो इस तरीके से आपको दबाते हुए और यहाँ पे राउंड शेप कर लेना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये बन के रेडी हो गया है और ये बिल्कुल नहीं खुलेगा जब आप फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से मैं फिर से बता दे रही हूँ, इसे इस तरीके से डाल करके आपको तुरंत ले लेना है और एक्स्ट्रा पानी है जो इसे दबाते हुए निकालना है और ऐसे ही करके फिलिंग इसमें भर करके और चारों तरफ से ऐसे गोल जैसा ऐसे बना देना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो मैं यहाँ पे 6 ठो बनाई हूँ, तो ये चलिए मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैन में मैं पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दी थी और जितना आए उतना इसमें आप डाल सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। और ये अब जब डालेंगे ना तो आपको तुरंत पलटना नहीं है, बस थोड़ी देर के बाद आपको पलट लेना है इस तरीके से, और ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चिपक गया है
और इसी तरीके से हम चारों तरफ से अच्छे से पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर इसमें आ गया है, बहुत ही अच्छा सा ये बन के रेडी हुआ है। और यहाँ पे देखिए फ्राई हो गया है, बस 1 से 2 मिनट तक हम और फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाता है ये नाश्ता। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाना। तो अब देख सकते हैं मैं निकाल ली हूँ और बाकी का है वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आपको हाई फ्लेम करके आपको फ्राई करना है, उसके बाद आपको लो कर देना है। तो यहाँ पे मैं सर्व कर ली हूँ, सभी को मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्व की हूँ सॉस के साथ, आप चाहे तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है, बहुत ही यम्मी सा बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है नाश्ता। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।